अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और घर में भी सब ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो हमारा न्यू व्लॉग शुरू हो चुका है, कल हमारा व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि सुबह की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से और घर के काम काज में बिजी तो व्लॉग ही नहीं बना पाए। तो आज हमने जो है व्लॉग फिर से शुरू कर दिया है और सुबह सुबह का टाइम है, अभी काम काज हो रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे बेबी के लिए भी दुआ कर दी है क्योंकि हमारे बेबी को जो है बुखार है। बुखार आ गया बेबी को, बुखार आ गया है। हंस के बताता है, हंस के बताता है कि मुझे बुखार आ गया है। वाह भाई वाह। ओ बाबा को बताया है साकिब, बाबा को बताया है सुबह सुबह बाबा के पास आया था। हाँ बुखार हो गया था साकिब, आ जाओ। अम्मी बहुत क्षण पहले सुबह सुबह बाबा के पास आया था, बताया था बुखार हो गया रहा, ठंड लगी थी पता नहीं क्या। हाँ बारिश आई ना। हाँ मौसम कुछ चेंज हुआ इसलिए। बारिश भी ज्यादा नहीं आई लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। ठंड ज्यादा रही है ना, दिन ठंड में फिरता रहा। इसको ठंड लग गई थी, ठंड लग गई थी, सर्दी लग गई। हाँ बुखार हो गया, आज दवाई ले आएंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हसे वो है, वो घास डाल रहा है, जल्दी कर उसके ऊपर कोई वो फोन वगैरह तो दे दो। ये क्या नाश्ता दे रही हो किसी को? हाँ। अच्छा बंदा एक आया हुआ है काम करने। हाँ उसको नाश्ता चाय वगैरह देते हैं ना। सही है सही है। तुड़ी जो डाली थी तुड़ी को इकट्ठा कर रहा है। अच्छा वो जो ऊपर लिपाई करते हैं। हाँ जो लिपाई करते हैं। हाँ हाँ वही आया है, वो तुड़ी को सीधा धड़ बनाएगा। सही है, फिर लिपाई तो नहीं होगी, इधर रेत है, लिपाई नहीं कराएंगे, लिपाई नहीं कराएंगे। वो फिर गल जाती है हर साल ऐसे। ये तरपाल ले आए हैं। अच्छा ये ऊपर दे देंगे ऐसे तरपाल, तरपाल दे के ना साइड ऊपर मजबूत कर देंगे, मिट्टी वगैरह दे देंगे। हाँ हाँ चलो ये भी सही है, बारिश से बचाना है वरना गल जाता है। बारिश हवाएं ये उड़ेगा नहीं, तरपाल ऊपर आ जाएगा ना, बंद हो जाएगी। हाँ हाँ ये सही रहेगी इसके साथ। चलो सही है, नाश्ता दे दो अभी। और इधर आप चाय पका रही हो के दूध? चाय गरम कर रही है। हाँ। किसके लिए? अभी नाश्ता तो किसी ने किया नहीं। नहीं उधर देने के लिए। उधर अभी ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे। अभी नाश्ता देने जा रहे। नाश्ता देगा वो खाएगा फिर चाय देंगे। आपने बोला चाय गरम करा, मैंने पहले कहा सिर्फ चाय देनी है, फिर मैंने कहा नाश्ता बना हुआ है तो नाश्ता भी देना, नाश्ता भी देना वो चाहिए वो नाश्ता ना करके आया वो। हाँ जी हाँ जी। चलो हसीब पहले नाश्ता दे आओ फिर जो है चाय दे आना बाद में। अभी तक जालियां वगैरह भी नहीं लपेटी गई, ये देखे सारी पड़ी हुई है और आज भी बादल बने हुए हैं, ये देखे मौसम आज भी काफी खराब है। डाल दो खुले में, वो जितना खा सके। ये रहा सूरज, ओहो मिठू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, कौन मारता है, है? साकिब को कौन मारता है? वो मोबाइल नहीं लेता, वो ये लेता है, ये लेता है। चलो हेलो करो, हेलो हेलो करो, चलो दवाई ले आना, दवाई आज दवाई ले आओ मिठू की। वे साकिब क्या लोगे, ये लोग अब इनका गुस्सा चेक करना, गुस्सा दिखा रहा है, गुस्सा वो देखो वो काला देख रही है। वे ये कौन है, ये देखो कौन देख रहा है, साकिब कौन देख रहा है, ये देखो कौन देख रहा है। अब हंसते हो, कौन देख रहा है, खाला देख रही है आपकी। ओ रात भर भी ऐसे चीखता रहा। हाँ हमने सुना था। चलो आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा मिठू को, आराम हो जाएगा है ना, अभी सो जाओ, अभी इसको सुलाओ। सुना है अभी इसको सुलाओ। हाँ इसको हाँ रखिया,
ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ। खुश वदी हो? हाँ। नाश्ता कर लिया? क्या पकाया था? दाल पकाई थी। अच्छा, रात वाली दाल सुबह फिर पकाई थी? नहीं। हाँ थी। अच्छा, वही रखी थी? हाँ। गरम करके खाई है? नाश्ता लेने जा रही है। अच्छा, अबू को नाश्ता देने जा रही है? उसे फिर दे दो, उनसे पूछ लो कि चाय के साथ खाओगे, लस्सी के साथ खाओगे, दाल के साथ खाओगे सुबह का नाश्ता? मक्खन ही रखा हुआ है। मक्खन के साथ खाओगे? रखा नहीं। आप किस चीज के साथ? दाल के साथ खाती हो बस? दाल। लस्सी पिया करो? लस्सी। चाय पिया करो? चाय। फिर तो हर चीज के साथ नाश्ता हो गया। मक्खन खाया था बोलेगी? हाँ। नहीं, मक्खन नहीं। हाँ, इस्तियाना उठ गई? हाँ। समीया उठ गई? हाँ। उनको नाश्ता करा दिया? हाँ। दोनों को? हाँ। बड़ी हिम्मत की थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपने अब्बू के पास पहुंच गए हो साकिब? वे वे अब देख रहा है वो बैल को, देखे वो क्या कर रहा है और मैं क्या करूँगा, गौर से देख रहा है। शाबाश शाबाश, आपने भी यही काम करने हैं और क्या। इधर जो है अम्मी अब्बू और हसीब भाई को रेड़ी को पंजाल रहे हैं, क्योंकि अभी जा रहे हैं घास काटने के लिए। ये देखें अम्मी जान, दातरें शातरे नहीं लिए हुए? लिए हुए। अच्छा, वो है रास्ते में पड़ी है। गधा रेडी पंजाल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, पंजाल में थोड़े ऊपर डालेंगे। हाँ हाँ, गर्मी बढ़ रही है, बादल शादल उठ गए। बादल उठ गए हैं गर्मी, फिर भी बादल सूरज के आगे आ जाते हैं, कुछ छांव आ जाती है, हल्की हल्की हवा भी है, थोड़े बहुत आ जाते हैं। लोग रोज ना मजे कर रहे हैं, मौसम होता है प्यारा। सही है, कभी नहीं चलता, सारा दिन काम करते रहो तो पता नहीं चलता। हाँ हाँ, आज जरा ना धूप तिखी लग रही है। तो ये छोटी खोती भी साथ जाती है? कभी कभी साथ जाती है तो बड़ा तंग करती है, इधर उधर भाग जाती है, फिर गद्दा टूटती नहीं है, फिर अगर घर हो तो फिर हो सकता है। घर तो ये रुकेगी नहीं, क्योंकि करती है चारे तंग, फिर इसको कभी बांधा ही नहीं है, इसको पकड़ा ही नहीं देती। रोज कहते हैं एक रस्सी बांध के माँ के साथ बांध लो, दूध भी पीनी रहे, घास दिखाए। हाँ। बेड़े में आ जाती, इधर आ जाती, उधर भाग जाती है। हाँ। सारा दिन घूमती तंग करती है, बड़ी होगी तो रस्सा नहीं पहनेगी। हाँ। करेगी इसको, इसको बड़ा करके फिर बड़ी खोती को बेच देगी ना। हाँ। फिर इसको जो पाएंगे रेडी, अभी जब दो साल पालेंगे इसको तकड़ी करके फिर बांधू। हाँ, तब तक ये गुजारा करेगी। सही है, घास जहाँ उस दिन गए थे उधर ही है वो, जितना और काटा उतना खत्म हो गया। अच्छा, पल्ले चाक से ऊपर है पर वो चाक से भी पार? हाँ जी। ओहो, इतनी दूर बाद ऊंचा दिन आए बा खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर नजदीक ढूंढेंगे तो मॉल वाला जितना मिलता है उतना ही ढूंढना होता है। आप लोग इधर थे के पे लो जमीन तो उधर बीजो, नहरी पानी लगे ये सामने इधर बांध के पास। कर रहा है, तो पिछले साल भी ऐसे अबू ने कोशिश की, बस मिले नहीं थे, कोई देता भी नहीं। तो अब ठेका जो ना बहुत महंगा है, सब कोई देता भी नहीं, हर कोई फसल बेच दे, कपास बेच दे। कम से कम एक बीघा जो आपका ठेके पे हो ना, आपका घास खत्म ही ना हो। अपना मालिक दो जो ना, कोई गाड़ी भी एक गई और ट्यूबवेल भी ऐसे खराब पड़े हैं, सही नहीं है। अगर गाड़ी होती तो फिर चौधरी ने गाड़ी भी बेच दी, सब कुछ बेच दिया, फिर और लेगा जब विजय के मौसम आएगी, अभी तो अभी कुछ नहीं। हाँ हाँ, खोती रुकती नहीं है, बुला रहा है आपको। ओ आई छोटी छोटी को झेलो ना, नहीं छोटी छोटी को भी जाने दो साथ। और दूध पी रही है, घर खड़ी करोगे ना अगले डेरे पे? हाँ। खड़ी बांध देना, ये भी साथ में खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी, वापसी पे फिर ले आना। इधर भागती है सारे घरों में, इधर उधर देखती रहती है। बैठने तो दो अम्मी को, उधर जाके ना खोता लगा देना रेडी में। बने पे उठ्रालिया ले, फिर बना दिया है वो, ऐसे फिर कहीं से खत्म कर देते हैं। नहीं, वो
राजा गुजारे हैं ना तोड़ी वाली, हाँ, तो उन्होंने वो खाला तोड़ के ना बनाया हुआ रास्ता। अच्छा अच्छा, फिर जब ये खत्म हो जाएगी तोड़ी तो फिर वो बना देंगे। हाँ हाँ, चलो सही है, आ जाए। हाँ देख लें, देख लें आपके भाई ने बना ली के नहीं। अब फिर तरपाल ले जाएंगे तो देना पड़ेगा ना। और ये हाँ हाँ जी जी हाँ सही, चेक कर के फिर डालेंगे ना। और ये देखें, ये दो रोजाना घारी होते हैं, इनको घास मिक्स करके तोड़ी में डाल दिया, ये पूरा दिन खाते रहेंगे। साथ में ऐसे तोड़ी भी रख दी कि और फिर बाद में शाम को डालेंगे ना घास। बस अब ये चार ही घर होते हैं, ये दो और दो वो तो बछड़ा भी बड़ा है, बछड़िया बछड़ा है बछड़ा, वो अभी भी दूध पीता है। हाँ दूध पीता है अभी, गाय दूध देती है ना। हाँ हाँ, इसीलिए तो ये बांधा हुआ है। हाँ तो इसको भी छोड़ देते चरता फिरता। सही है, अब गाय का दूध पी जाएगा फिर हम क्या पियेंगे। सही बात है, पर इसलिए इनकी सजा यही है घर खड़े दूध छोड़ जाते तो अब तक चल रहे होते हैं उनके साथ। दो ये हैं, दो वो हैं, इनकी माएं दूध देती हैं इसीलिए नहीं छोड़ते, वो तो भी छोटी हैं तो लो। हाँ इनकी माएं तो दूध ना देती तो ये दोनों छोड़ देते। हाँ जी हाँ जी, चलो घर में खड़े हैं घास खा रहे हैं। हाँ इधर भी खाते पीते रहते हैं। हाँ, बाकी बड़े बच्चों को तो छोड़ दिया, सब जंगल में इधर गंदम की कटाई हो रही है ना। हाँ हाँ, तो सारे नाड़ ही नाड़ हैं उसमें चलते फिरते रहते हैं। सारी जो मशीनें लगी है ना, पता भी नहीं चला फसल कट गया। एक हफ्ते का होता है एक बार जो मशीनें एक जगह तो एक गांव में डेरा लगाती हैं, वो सारा गांव क्लियर करके दिन में कई कई मुरब्बे खत्म कर देती है। हाँ मशीनें ऐसी आ गई हैं, मशीनरी दौर है। हाँ जी, तरक्की कर रहे हैं आजकल लोग, हाथों से नहीं काटते, बस वो रैपर भी जो काटते हैं वो बांधते हैं। नहीं वो भी कहीं कहीं। हाँ ना, ये कंपैन दूसरी बड़ी मशीन जो होती है ना। हाँ हाँ, वही लगा देते हैं। उधर चाचू वालों के इलाकों में तो उधर रैपरें लगी है ना, वो फिर गंदम बांधते हैं। हाँ उधर बांधते होंगे। हाँ बांध के फिर थ्रेशर में बनाते हैं। और वो आपकी बहन भी उधर ही आई हुई है, जैसे मैंने काली चार पाइया और तकिए वगैरह चादरें भिजवाई हैं उसके घर। अच्छा। वो इधर दादी के घर है। वो कब आई पता नहीं, हमें पता ही नहीं है। कहती है वो उसकी बेटी ने कहा है कि कल, मैंने बात की ना, वो कहती है कल गई थी, मतलब परसों, दो दिन पहले परसों के इधर आ गए। हाँ उधर चार पाइया कैसे को दी फिर वो घर, मैंने उधर ही भिजवा दिया, मैंने कहा बता देना। हमें तो पता नहीं था ना, बताया ही नहीं है उसने। हाँ वो कहते इधर वो भी गंदम की मजदूरी करने आई है। मजदूरी करने आई है। हाँ अकेली आई है। हाँ उस्मान साथ है, उस्मान और उसकी अम्मी आए। हाँ हमें तो नहीं बताया। वो कहती है आप हमें हमसे छुपा रहे हो, अम्मी आपके घर है, उसकी बेटी से जब बात। मैंने कहा हमें तो पता ही नहीं है इधर का भाई। वो बारो बार ही उधर से चले गए। हाँ वो उन्होंने बुलाया होगा दादी वालों ने कि इकट्ठी करते हैं गंदम आ जाओ। पूछ रहे थे ना कि उधर काम है तो हमें बताएं, क्योंकि उनकी भी अपनी गंदम नहीं है ना। हाँ उन्होंने भी खरीदनी होती है, कोई मजदूरी करके इकट्ठी करनी होती है, गरीब आदमी है। हाँ जी चलो इधर आ गए हैं, दो बंदे मजदूरी करेंगे, चलो दो चार मन कमा लेंगे, कुछ ना कुछ बना जाएंगे। हाँ जी चलो फिर इधर ही फोन करके उसको बताऊंगा कि मैंने तो आपके लिए सरप्राइज भेजा और आप। हाँ फोन कर देना अपने चाचू के नंबर पे। हाँ हाँ, या उस्मान के पास है मोबाइल? हाँ है उसके पास, टचो बैल लिया हुआ है। ले लिया? ले आया, जो भी कर रहा था वो कमाता रहा 6 महीने उधर, वो टचो बैल ही हुआ। टचो बैल लेने की यही कोशिश थी, हमें भी चैनल बना दो। मैंने कहा हमें तो आता हालात आजकल देख रहे हैं, चैनल के हालात कुछ नहीं है आजकल, हमारे हालात देख लें। हाँ चैनल चलते नहीं है। हाँ जी 400-500 व्यूज आते हैं मुश्किल से, फिर वीडियो बनती है, वो चासी नहीं रही पहले वाली। पहले चैनल अच्छे चलते थे, लेकिन आजकल हालात, मुल्की हालात ऐसे हैं, बाहर दुनिया के जंग हो रही है। देखें कल भी फलस्तीन और दूसरा ईरान और इसराइल धमाके हुए हैं। अच्छा फलस्तीन से इसराइल करते थे, अब ईरान में। हाँ ईरान ने रोका ना इसराइल को। हाँ हाँ,
से ये काम ना करें। अच्छा अच्छा। मुसलमानों का जो हाल कर रहे हैं गजा में फलस्तीन में। हाँ हाँ। लेकिन वो नहीं रुके तो ईरान ने हमला किया, फिर इसराइल ने जवाबी हमला किया और ऐसे ही जान चली गई। बस अल्लाह माफ करे, अल्लाह खैर करे, हर मुसलमान को अल्लाह पाक बचाए, दुनिया जो भी है सब को अल्लाह पाक महफूज रखे। हाँ, क्योंकि जंगी हालात जो होते हैं ना ये अच्छे नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है, तबाही होती है, तबाही पूरी दुनिया में, ये खतरा है कि आलमी जंग ना फैल जाए। हाँ हाँ। कोई मुल्क किसी का साथ देगा, कोई दूसरा मुल्क उसका साथ देगा, ऐसे ही करते करते हाँ पूरी दुनिया में जंग छिड़ी रहे। अल्लाह पाक सलाम करे, दुआ करते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इनके मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी महफूज रखे। आमीन, जमान में रखे। आमीन। चले नाश्ते का पूछ रहे थे आपके लिए। हाँ नाश्ता करते हैं जी। माशाल्लाह ये देखें समिया भी नाश्ता कर रही है, अभी रोटी और चाहिए, रोटी ख़त्म हो गई, और उधर इस्तिहाना भी कर रही है नाश्ता, नाश्ते कर रही हो सुबह के। आप चाय के साथ खाती हो, दाल नहीं खाई क्यों? दाल अच्छी नहीं लगती क्या? मेरा ख़राब है इसका काल से। अच्छा मेरा खराब हो गया। अच्छा दर्द है। अच्छा हाँ, दवाई खाना ठीक है। अभी और चाय है कि ख़त्म हो गई? नहीं है, उधर है। अच्छा ये रोटी अगर बस कर दी तो समिया को दे दूँ, समिया ने अभी खाना है। हेलो समिया खाओ मज़े करो। ज़किया कहाँ गई, किधर चली गई? वो साकिब को झूला 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 रही है। हाँ हाँ, नींद कर रहा है ना, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो फिर रोने लग जाता है। हाँ फिर रात से उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, बस बार बार रोने लग जाता है, रात को भी रोता रहा। ठंड लगी ना बारिश की वजह से तो फिर बुखार हो गया जी, रात को रोता रहा, अभी वो नींद कर रहा है। चलो चलो मैं ज़किया को बोलता हूँ, फिर इनको लस्सी वगैरह भी दे दें समिया को। चलो कब देखते हैं। और ये वो तरपाल है, इसको चेक करेंगे, जहाँ अगर कहीं फटा हुआ होगा तो इसको सी लेंगे, जैसे ये टेपें लगी हुई हैं इस तरह टेपें वगैरह भी लगा देंगे जहाँ से कोई सुराख हो गया हुआ। और मैं ना ज़किया को बोल दूँ, ज़किया और समिया को लस्सी दे दो, अब्बू को भी नाश्ता दे दो। अच्छा कौ साथ देगी? लस्सी भी आपने देनी है ना। चलो और मैं ना अपना रूम भी दिखा दूँ, जो हमारा रूम प्लस्तर हुआ है ये देखें, इसके नीचे फर्श भी मुकम्मल हो गया था ये देखें, अब माशाल्लाह ये कंप्लीट है। इसके अंदर एक पंखा और बैटरी सोलर प्लेट्स अलग से वो सेटिंग करके रखनी है इंशाल्लाह जब भी फुर्सत हुई। और फिर इसके अंदर वो मेहमानों के लिए ख़ास ये रूम हमने बनाना है कि मेहमान जो आए इधर रिहाइश करें, तो इधर एक मेरी ख्वाहिश है, मतलब अभी फ़िलहाल तो नहीं, ख्वाहिश है कि इधर एक बेड सोफ़ा रखेंगे, कि फिर उसके बाद जो भी अलमारी वगैरह हो कुछ हो सारा कुछ सेटिंग के साथ रख लेंगे, न्यू चार पाइयाँ इधर पड़ी रहेंगी, फिर इंशाल्लाह जब भी मेहमान आया करेंगे तो हम उनको इधर सुलाया करेंगे। तो इंशाल्लाह दुआ करनी है, हमारी ये ख्वाहिशें जो हैं पूरी हो जाएं, अल्लाह पाक पूरी फरमा दे। और बाकी मैं बाहर जाकर दिखा दूँ कि जानवर कैसे यानी कि चर रहे हैं, और उसी ही जगह पर चलते हैं, तीन दिन हो गए वो देखे सामने, मतलब इधर उधर तो वो जाते ही नहीं है जब से ये गंदम काटी गई है, सारे जानवर इधर ही चल रहे हैं, बहुत सारे होते हैं। और तूड़ी जो बना रहे हैं ना हमारी, वो इस तरफ है, वो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें अभी भी जो है बंदा बना रहा है, वो देखें नज़र आ रहा है ना, ये बना लेगा तो फिर ऊपर तरपाल डालेंगे, बाकी जानवर उधर चल रहे हैं।
अबू के पास किसी की कॉल आ रही है अबू के नंबर पे, पता नहीं कौन है, और जाकर देखते हैं अबू को मोबाइल दे देते हैं। हाँ भाई किसकी कॉल है? इरफान बहू किसकी कॉल है?